तो फ्रेंड्स इस तरह के पाउच आप ब्लाउज के बचे हुए फैब्रिक से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटा सा ही कपड़े की जरूरत रहती है। तो आप बचे हुए ब्लाउज के पीस से बना सकते हैं और आपकी साड़ी का मैचिंग भी हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एक छोटा सा पाउच की कटिंग स्टिचिंग बताने वाले हैं, जिस पाउच का नाम है समोसा पाउच, और बहुत सुंदर पाउच दिखने वाला है। तो समोसा पाउच को हम इस बचे हुए फैब्रिक से बताने वाले हैं और बहुत ही इजी रहेगा इसकी कटिंग स्टिचिंग। तो प्लीज वीडियो को आप फुल देखिएगा, जिससे कि आपको एक बार में अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें हम जिप भी लगाने वाले हैं और अस्तर लगाने वाले हैं। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हमने ब्लाउज के पीस में से बचे हुए कपड़े को ले लिया है और ये है अस्तर। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इस पाउच को बनाने के लिए आपको बहुत ही कम कपड़ा लगेगा। तो देखिए इस तरह से आपको रख लेना है। तो हमें इसकी लंबाई चौड़ाई लेना है। देखिए लंबाई जैसे ले रहे हैं हम 6 इंच और चौड़ाई लेंगे 12 इंच। तो ये 6x12 इंच का हमारा कपड़ा रहेगा। यहाँ पे हम निशान लगा के इसको कट कर लेंगे। इसको हम डबल कर लेंगे तो कट करने में इजी हो जाएगा। तो इस तरह से बराबर रख लेना है, इसको यहाँ से कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया है। अब इसके ही सेम साइज का हमें अस्तर को कट कर लेना है। तो ये हमने अस्तर की भी कटिंग कर लिया है। आप चाहे तो इसमें पेपर पेस्टिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो कटिंग हो गई हमारी, अब हमें इसको स्टिच करना है। तो ये हमने रख दिया है सबसे पहले अस्तर के पार्ट को, उसके बाद हमें ये चेन को रख लेना है। इस तरह से रखेंगे चेन को हम। अब इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें इसको स्टिच कर लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब हमें इसको इस तरह से लेना है। अब मेन फैब्रिक को हमें यहाँ रखना है और ये अस्तर वाले फैब्रिक को यहाँ पे रखना है। अब इन तीनों पीस को हमें इस तरह से साथ में रखना है, यानी कि मेन फैब्रिक, अस्तर और हमारा चेन। इन तीनों को हम इस तरह से साथ में रखेंगे और बराबर से रखते हुए इसको हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे भी हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें इसको पलटना है। तो ये मेन फैब्रिक के बीचों बीच से हमें इसको इस तरह से पलट लेना है। तो देखिए इस तरह से स्टिच करने पे हमें यहाँ दोनों तरफ ही फिनिशिंग की सिलाई मिलती है। ये अंदर भी फिनिशिंग के साथ सिलाई आती है और बाहर भी। तो अब हमें इसके लिए स्ट्रिप बनाना है। तो उसके लिए आप एक 8-10 इंच लंबी पट्टी ले लीजिए और इसकी चौड़ाई है 1 इंच, 1 इंच चौड़ी और 8-10 इंच लंबी पट्टी ले लीजिए। और उसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो
देखिए स्ट्रिप हमने बना लिया है, अब हमें इसको उल्टा कर लेना है, अस्तर की साइड कर लेना है इसको, और यहाँ पे आपको सेंटर निकाल लेना है। अब इसको हमें इस तरह से रखना है, ये जो हमारा सेंटर था इस चेन को हमें यहाँ सेंटर से मिलाना है, और इसको हमें इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ हमने स्टिच कर लिया है, अब ये जो हमारा चेन स्ट्रा निकला है इसको हम कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद हमें यहाँ फिनिशिंग के लिए इस तरह से कपड़ा ले लेना है और इसको हमें इस तरह से स्टिच करना है, इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब इसको हमें इस तरह से पलट लेना है और इसको हम इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो देखिए फिनिशिंग की पट्टी हमने इसमें लगा दिया है और यहाँ पे हम इस पट्टी को अंदर से लगाएंगे जो हमने स्ट्रिप बनाया था। इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लीजिए और इसको इस तरह से अंदर रखेंगे और यहाँ पे हमें इसको स्टिच कर लेना है, यहाँ पे हम इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए स्ट्रिप को हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है, अब इसको हमें इस तरह से लेना है और इसको हमें ऐसे सिलना है, यहाँ सिल के यहाँ तक सिल लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है, अब इस एक्स्ट्रा पार्ट को हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पे भी हम एक फिनिशिंग की पट्टी लगा देंगे, इस पट्टी को भी हमें इस तरह से ही रखना है जैसे हमने पहला वाला पट्टी अटैच किया था। इसको इस तरह से रखेंगे, दोनों साइड हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है, उसके बाद हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हमें इसको इस तरह से पलट के सीधी साइड स्टिच करना है, तो दोनों साइड इस तरह से पलटेंगे, उसके बाद हमें इसको इस तरह से स्टिच करना है, इसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है और ऐसे ही स्टिच करते जाना है। तो हमने इस तरफ भी फिनिशिंग की पट्टी अटैच कर लिया है, अब हमें इसको सीधा कर लेना है। तो यहाँ से हम ओपन करेंगे और इसको इस तरह से हमें सीधा कर लेना है। अब इसको हम यहाँ से बंद करेंगे। तो देखिए सीधा करने के बाद हमारा समोसा पाउच कुछ इस तरह से दिख रहा है। और आप चाहे तो यहाँ पे स्टोन्स भी लगा सकते हैं,
तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा समोसा पाउच बहुत ही कम कपड़े में और बहुत ही कम टाइम में बनके रेडी हो जाता है। तो आप भी हमारी वीडियो को देख के इस तरह से पाउच बनाना सीख सकते हैं और बचे हुए कपड़े का रीयूज भी हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलेंगे आपसे हम नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।